स्टूडेंट्स, अभी हम क्लास 10 का साइंस ग्रुप का मैथ करेंगे। हमने आज मतलब 6 चैप्टर स्टार्ट किया था और नेक्स्ट टाइम 6.1 स्टार्ट करेंगे। तो आगे से जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज में अब देखें कि इससे हमने क्लास लिमिट्स के बारे में पढ़ा था पहले, कि मतलब 0 से 9 तक इंटरवल है हमारे पास, जिसकी मतलब जो फर्स्ट वाली होती है उसको लोअर क्लास लिमिट मतलब बोलते हैं और इसको अपर क्लास लिमिट, और इसे क्लास बाउंड्रीज। अब क्लास बाउंड्रीज को निकालने के दो तरीके हैं। पहले ये कि हमने मतलब एवरेज लेनी होती है, मतलब लोअर क्लास लिमिट मतलब नेक्स्ट क्लास की और अपर क्लास लिमिट मतलब पहले वाली क्लास की। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मतलब 9 और 10 है, तो इनको हम ऐड करेंगे तो और 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आएगा 9/2। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9.5। तो यहाँ से आपने मतलब इसको भी 9.5 करना है और इसको भी। एक तरीका तो ये है, मतलब दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों का हम डिफरेंस करें और जो इन दोनों का डिफरेंस है उसकी एवरेज लें साथ। ये मतलब सिंपल एवरेज वाला तरीका है। और एक है कि एवरेज ऑफ डिफरेंस, इस तरह फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास मतलब ये अपर क्लास बाउंड्री है, लेकिन नेक्स्ट जो क्लास की मतलब लोअर क्लास बाउंड्री, इन दोनों को हमने माइनस करना है। इस तरह 10 - 9 ये आएगा 1। अब जो आपने मतलब 1 की एवरेज लेनी है जो आएगी 0.5, वो 0.5 आपने इसमें से माइनस करना है लोअर क्लास बाउंड्री में और अपर क्लास बाउंड्री में ऐड करना है। इस तरह हम अगर 0 में से मतलब 0.5 को माइनस करते हैं तो ये आंसर आता है हमारे पास -0.5। तो ये 0 की जगह पे हम लिख सकते हैं -0.5, इसमें से माइनस करना है लोअर क्लास बाउंड्री में और अपर क्लास बाउंड्री के अंदर हमने इसको ऐड करना है। इसका फॉर्मूला ये 9 है और इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये बनेगा तो 9.5। और यहाँ से हमने जो मतलब अपर क्लास बाउंड्री होती है और नेक्स्ट क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री, इन दोनों को सेम करना होता है। और अब देखेंगे इसमें हमने ऐड किया 0.5 और 10 में से अगर हम माइनस करेंगे 0.5 तो ये बचेगा 9.5 और ये सेम हो गया दोनों। फिर आगे से अपर क्लास बाउंड्री है, इसमें हम 0.5 को ऐड करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे 20 में से, तो ये हमारे पास आएगा 19.5 और इस तरह ये आगे 29.5, इस तरह ये आगे जो है चलता रहेगा। लेकिन अगर हम इसके जो फर्स्ट मेथड को देखें जो आपकी बुक में मतलब बताया गया है उसके मुताबिक इसकी एवरेज निकालनी होती है और इन दोनों को सेम करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 19 है और यहाँ पे 20 है, तो 19 + 20 / 2 तो ये आ गया 39.5 और मतलब तो 39/2, उसका 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 19.5 आएगा। तो यहाँ पर भी 19.5 लिखा और यहाँ पर भी 19.5, लेकिन ये जो सा माइनस वाला मेथड है ये आप मतलब ज़्यादा ईजी है इसलिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी डेफिनेशन लिखी है बुक में उसके मुताबिक जो हमने तरीका किया है यहाँ पर एवरेज वाला, उसके अंदर कह रहा है क्या किया, क्लास बाउंड्री इज ऑब्टेन बाई एडिंग टू द सक्सेसिव क्लास लिमिट एंड डिवाइडिंग द सम बाई 2। जब इसको ऐड करते हैं और इन दोनों का सम जो है उसको 2 पे डिवाइड करना है। कह रहा है कि द वैल्यू सो ऑब्टेन इस टेकन एज अपर क्लास बाउंड्री फॉर द प्रीवियस क्लास, मतलब अपर क्लास बाउंड्री मतलब पहले वाले क्लास की और लोअर क्लास बाउंड्री मतलब नेक्स्ट क्लास की एंड द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द नेक्स्ट क्लास। मतलब इस बात करने का मकसद वो है जो हमने यहाँ पर की कि पहले हमने इसकी मतलब अपर क्लास बाउंड्री लेनी है और यहाँ से जो नेक्स्ट क्लास है उसकी लोअर क्लास बाउंड्री, इन दोनों को ऐड करना है, 2 पे डिवाइड करना है, जो यहाँ पर आंसर आएगा उससे हमने मतलब फर्स्ट क्लास की जो है अपर क्लास बाउंड्री बनाना है और नेक्स्ट क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री, तो इसको हम बोलेंगे मतलब क्लास बाउंड्रीज। इसके बाद आता है मिड पॉइंट या क्लास मार्क्स, उसके लिए हमें क्लास बाउंड्री का भी हम कर सकते हैं या फिर क्लास लिमिट्स का भी कर सकते हैं। मतलब अगर क्लास बाउंड्रीज का करेंगे तो हमें पहले वो
0.5 वाला मेथड करना पड़ेगा, इसको हम ऐड करेंगे या फिर सबट्रैक्ट करेंगे। कहता है कि फॉर अ गिवन क्लास एवरेज दैट क्लास इज ऑब्टेन बाई डिवाइडिंग द सम ऑफ अपर एंड द लोअर क्लास लिमिट बाई टू। मतलब अपर और लोअर क्लास लिमिट को हमने ऐड करके टू पे डिवाइड करना है। इस तरह के यहाँ पे आपको दिया गया है ये, मतलब 0.0 और 9। अगर आप 0 और 9 को ऐड करें तो आंसर आता है 9, इसको 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 4.5। तो इसका आंसर आ गया 4.5। तो जो बात यहाँ पे उसने की थी कि फॉर अ गिवन क्लास ऑफ दैट क्लास ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द अपर एंड द लोअर क्लास लिमिट बाय टू। सब इन दोनों का हमने सम करना है, अपर और लोअर क्लास लिमिट का, और इसको टू पे डिवाइड करना है। जो आंसर आएगा वो हमारा असल में क्लास मार्क होगा। और इसकी जो क्लास बाउंड्रीज फाइंड करने का तरीका था, पहले वो कर लेते हैं। फर्दर पर मैंने आपको जो इससे पहले वाले एग्जांपल में बताया था, इन दोनों को माइनस करते हैं, 10 - 9 - 1, 2 पर डिवाइड करें 0.5। अब इसमें से हमें 0.5 माइनस करना है, 0 में से हम 0.5 को माइनस करेंगे तो -0.5 आएगा, फिर 9 में ऐड करेंगे तो ये 9.5, 10 में से माइनस करेंगे तो 9.5, 19 में ऐड करें तो 19.5 आएगा, फिर अगर 20 में से अगर हम माइनस करेंगे 0.5 तो ये आएगा 19.5, और फिर 29 में ऐड करेंगे तो 29.5, फिर आगे से इसको करेंगे तो ये आएगा तो 29.5, और आगे से 39.5, फिर 39.5 और 49.5। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम माइनस करेंगे 49.5, और इसमें ऐड करेंगे तो 59.5 बनेगा, फिर उस तरह 60 में से माइनस करेंगे अगर तो ये 59.5 और यहाँ पे 69.5। अब देखें तो ये सारे जो मतलब पॉइंट्स हैं कि मतलब अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द प्रीवियस क्लास इज इक्वल टू लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द नेक्स्ट क्लास, ये सब में ये रूल अप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद अगर आप इन दोनों को भी अगर आप ऐड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन दोनों को हम करके देखते हैं, तो 9.5 + 19.5 ओवर टू, इन दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये बनेगा 20 और 29 ओवर टू, इसको हम करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 14.5। तो और आप इन दोनों को भी ऐड करें तो ये भी आपके पास सेम आता है, 10 + 19 ओवर टू, इसको हम ऐड करेंगे तो आएगा 29, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 14.5। तो यहाँ पे इसका आएगा ये 14.5। उसके बाद अगर आप इन दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें तो मतलब यहाँ पे अगर 19.5 प्लस करें 29.5, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 24.5। उसको आगे 29.5 और इसको ऐड करेंगे 39.5 के अंदर, और फिर 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा 34.5। तो ये जो मतलब हमारे पास आ रहे हैं, ये मतलब हमारे क्लास मार्क्स भी बोलते हैं इनको, और मिड पॉइंट भी, चूँकि ये असल में जो हमारा क्लास इंटरवल होता है उसका ये मिड पॉइंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है 39.5 को ऐड करेंगे 49.5 में, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 44.5। इस तरह आगे 49.5 और 59.5, इनको ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें आएगा 54.5, इस तरह ये 64.5। ये तो के मतलब क्लास मार्क। आगे आती है कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी, और इसको लेस देन कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं बाज़ बाज़। कह रहा है कि द टोटल फ्रिक्वेंसी अप टू एन अपर क्लास लिमिट आर बाउंड्री इज कॉल्ड द कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी। जिस तरह हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट क्लास है इसकी जो मतलब फ्रिक्वेंसी है वो है 2, लेकिन सेकंड क्लास तक जो ओवरऑल फ्रिक्वेंसी बन रही है वो बन रही है 12, क्योंकि इन दोनों अगर ऐड करें तो मतलब 0 से लेकर 19 तक जो बन रही है
वो बन रही है 12, इसलिए कह रहा है कि द टोटल फ्रिक्वेंसी अप टू एन अपर क्लास लिमिट, मतलब अपर क्लास लिमिट मतलब 19 तक, जो मतलब टोटल टोटल फ्रिक्वेंसी बन रही है शुरू से लेके अब तक, वो बन रही है 12। इस तरह इसमें हमने ऐड करना है मतलब प्रीवियस फ्रिक्वेंसी को, ये आ गई 12। लेकिन अगर हमने देखने के यहाँ पे 29 तक कितनी बनती है टोटल मतलब फ्रिक्वेंसी, तो आप 12 में ऐड करेंगे फिर 5 और ये आपके पास आएगा 17। अब ये 17 जो है मतलब कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी, असल में वो यहाँ पे 29 तक बन रही है। तो इसके बाद हम देख सकते हैं कि इसमें अगर ऐड करें आप 9 को तो नेक्स्ट जो आएगा 26। इसका मतलब है कि जो सी अपर क्लास बाउंड्री 39 है, इस तक जो फ्रिक्वेंसी बनती है वो है मतलब 26। 26 में 6 ऐड करेंगे, चूँकि नेक्स्ट जो फ्रिक्वेंसी है वो 6 है, तो ये आएगा 32। अगर 32 में ऐड करेंगे 7, ये 39, और फिर इसमें मतलब 1 ऐड करें अगर वैसा जाएगा 40। ये जो ओवरऑल फ्रिक्वेंसी एंड तक आ गई 40। तो इसलिए कहता है कि मतलब कम्युनिटिव फ्रिक्वेंसी कहता है कि द टोटल फ्रिक्वेंसी अप टू एंड अपर क्लास लिमिट आर बाउंड्री, मतलब क्लास लिमिट की भी हम कह सकते हैं और क्लास बाउंड्री की भी, इस कॉल द क्यूम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। क्योंकि ये दो डेफिनेशन हैं, ये भी आपने करनी है। इसमें कहता है कि हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स कंस्ट्रक्टेड ऑन एक्स वाई प्लेन, इट इज़ अ ग्राफ ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जिस तरह हम कह सकते हैं कि अगर ये एक्स वाई प्लेन है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो इसमें अगर आप एडजेसेंट क्लास बाउंड्रीज के इस तरह मतलब रेक्टेंगल्स बनाते हैं किसी डेटा के, तो इसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। इस तरह की शेप आती है इसमें, इसमें मतलब एडजेसेंट रेक्टेंगल एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और ये डेटा को शो करते हैं। ये यहाँ पे इंटरवल होते हैं, फॉर एग्जांपल 0 से लेके 5, 10, 15, 20, 25, और यहाँ पे डेटा होता है रेंजेस, फॉर एग्जांपल 5, 10, 15, 20। इस तरह की जो डायग्राम होती है वो हिस्टोग्राम होती है, और पॉलीगॉन भी असल में एक्स वाई प्लेन के अंदर एक डायग्राम बनती है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमें मतलब डिफरेंट पॉइंट्स चाहिए होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट इधर आ रहा है इस तरह करके, तो इन पॉइंट्स को मैच करने से जो शेप बनती है इसको हम बोलते हैं पॉलीगॉन। तो उसमें कह रहा है कि फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन इज़ अ मैनी साइडेड क्लोज फिगर, मतलब इसकी फॉर एग्जाम्पल इस तरह 1, 2, 3, 4, इसकी 5 साइड है, इस तरह बहुत सारी साइड्स वाली जो क्लोज फिगर होती है उसको हम बोलते हैं पॉलीगॉन। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो ये 6.1 का अब क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके अंदर कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ अ मेंबर इन द वेरियस फैमिलीज, मतलब कह रहा है कि ये मतलब मेंबर शो कर रहा है कुछ मतलब फैमिलीज का डेटा है ये हमारे पास, और उसमें कह रहा है कि कहता है कि जो है ना कंस्ट्रक्ट द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल्सो फाइंड द कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी। तो इसकी हमने बनानी है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक्स जो हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उसके बाद हम टेरी मास जो लगाएंगे, फिर मतलब फ्रिक्वेंसी, और फिर आगे से कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने मतलब मैक्सिमम वैल्यू देखनी है और इसकी मिनिमम वैल्यू, मतलब एक्स की मैक्सिमम वैल्यू जो है आप देख सकते हैं 12, और मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास 12 भी है, और एक्स की मिनिमम वैल्यू जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 इसकी मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू हम रखेंगे 2। तो इसकी जो मतलब रेंज आएगी वो मतलब मैक्सिमम से मिनिमम को माइनस करना होता है, रेंज इक्वल होती है
तो मैक्सिमम वैल्यू में से माइनस करेंगे मिनिमम वैल्यू, तो वो 12 माइनस 2 इक्वल टू 10। तो इसमें 12 से बड़ी वैल्यू कोई नहीं मिलेगी आपको और 2 से छोटी कोई नहीं मिलेगी। तो इन वैल्यूज को देखते हुए हम इसकी मतलब तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। और फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के दो तरीके आपने पढ़े थे, एक था मतलब डिस्क्रीट और एक था कम्युनिटिव। चूँकि यहाँ पर मतलब डेटा की रेंज कम है, सिर्फ 10 वैल्यूज हैं, इस वजह से हम इसकी डिस्क्रीट बना सकते हैं। लेकिन अगर डेटा की रेंज ज़्यादा हो जिसमें मतलब वैल्यूज़ मतलब 20, 30, 40 या 100 से भी ऊपर जा रही है सब जा सकती हैं, उसमें हम जो है वो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। इसके अंदर क्लास इंटरवल्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये 2 से स्टार्ट हो रहा था, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, sorry, 11 और फिर 12। अब इसकी कार्डिंग आपने यहाँ पे डेटा देखना है और उसको अरेंज करना है। यहाँ पर पहले सबसे पहले 9 है, तो 9 हम लगाएंगे यहाँ पर, टेनिमास लगाना है इसका एक। उसके बाद 11 यहाँ पे हमारे पास, फिर 4 की जगह पे यहाँ पे लगाएंगे टैली मार्क, फिर 5, 6 यहाँ पे 6 के सामने, फिर 8, फिर 4, थ्री, इसके बाद 7, फिर 8, फिर 5, फिर 5 अगेन, फिर 8, उसके बाद 3, 4, फिर 9, फिर 12, उसके बाद 8, उसके बाद 9, फिर 10, 6, फिर 7 अगेन, उसके बाद 11, फिर 4, फिर 4, इसी जब 5 हो जाए तो आपने इस तरह एक लाइन लगा देनी है, फिर 3, फिर 2, फिर 7, 9, इसका 10, फिर 9, 7, फिर 6, 9, 5, 7, 8, नेक्स्ट में 4। ये तो इसकी फ्रिक्वेंसी आ गई मेरे पास 1, फिर 3, फिर 5 एंड 1, टोटल 6 हो गया। यहाँ पे 4, फिर 3, 6, फिर 5, फिर 6, फिर 2, और इधर आ गया 1। यहाँ पे हम इसका मतलब टोटल भी कर सकते हैं कि ये टोटल कितनी मतलब है, क्या जितने मतलब ऑब्जर्वेशन थे उसके इक्वल आ रहा है कि नहीं, आप इसका टोटल भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे टोटल हमारे पास आ गया 1 और 3, 4, 4 and 6, 10, 10 and 4, 14, 14 and 3 हो गए 17, 17 और 6 हो गए 24, 24 and 5, 29 and 29 and 6 जो है 35, 35
आगे टू और टू और फिर आगे से वन, फिर वन थ्री सिक्स फोर थ्री सिक्स फाइव सिक्स, फिर टोटल हमारे पास आएगा 39। उसके बाद हमने देखनी है मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हम सबसे पहले हमारी फ्रीक्वेंसी है वन, इतना वन में ऐड करेंगे थ्री, वन प्लस थ्री फोर, फिर फोर में हम सिक्स ऐड करेंगे, सिक्स प्लस फोर तो ये आएगा हमारे पास टेन, फिर टेन में फोर ऐड करना है अगेन, ये हमारे पास आ जाएगा फोर्टीन, फिर फोर्टीन में हम ऐड करेंगे थ्री, सेवनटीन, सेवनटीन में सिक्स ऐड करेंगे, ट्वेंटी थ्री, इसमें फिर आगे ट्वेंटी थ्री में फाइव ऐड करना है तो ये आएगा ट्वेंटी एट, तो ट्वेंटी एट में हम ऐड करेंगे सिक्स, थर्टी फोर, थर्टी फोर में टू बनेगा थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स में टू ऐड करेंगे तो थर्टी एट, थर्टी प्लस वन आएगा थर्टी नाइन, ये टोटल हमारे पास आ गया थर्टी नाइन। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, ये टेलीमास, ये फ्रीक्वेंसी, और ये हमने एक पूरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो तैयार कर ली। वनस कह रहा है कि द फॉलोइंग डेटा हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम वेइंग ऑफ 40 स्टूडेंट्स फॉर क्लास 5, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल ऑफ साइज एज 5। मतलब इंटरवल का साइज मतलब खुद बताया कि 5 का रखना है आपने। आल्सो फाइंड द क्लास बाउंड्रीज एंड मिड पॉइंट, और उसकी क्लास बाउंड्रीज और मिड पॉइंट फाइंड करना है। लास्ट में कह रहा है कि आल्सो मेक अ लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पहले, उसके बाद एंड पे बनाएंगे लेस देन। लेस देन से मुराद आपको बताया थे कि एक अपर क्लास लिमिट तक जो उसकी रेंज होती है उससे लेस जो मतलब फ्रीक्वेंसी एक्सपेंड करता है उसको लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो इसमें इंटरवल उसने 5 का बोला था, हम पहले देखते हैं कि इसकी सबसे जो मतलब मैक्सिमम वैल्यू है वो कौन सी है, 41 और तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास आ रही है 41। इससे मुराद है कि मैक्सिमम वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर 41, उसके बाद मिनिमम वैल्यू देखनी है 21, और मिनिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास है 21। तो उसको देखते हुए हम हमने इसकी वैल्यू जो है वो मतलब रखनी है कि मतलब 21 या वो भी आ जाए इस रेंज में, और साथ जो है वो मतलब 41 भी आ जाए। तो पहले हम लिखेंगे 20 से 24 तक, चूँकि 5 का इंटरवल है, उसके बाद आगे 25 से लेके 29 तक, फिर आगे 30 से लेके 34 तक, फिर 35 से 39, फिर 40 से 44। इसके बाद आपने इसकी निकालने की क्लास बाउंड्रीज, उसका तरीका क्या होता था कि मतलब जो लोअर क्लास बाउंड्री होती है नेक्स्ट क्लास की, उसमें से अपर क्लास बाउंड्री प्रीवियस क्लास की माइनस करनी होती है आपने। आप ये 25 में से तो माइनस करेंगे 24, आंसर आएगा 1, 1 को 2 से डिवाइड करें आएगा 0.5 आपने जो है मतलब लोअर क्लास बाउंड्री में से माइनस करना है और अपर क्लास बाउंड्री में ऐड करना है।
तो यहाँ से हम 0.5 माइनस करेंगे तो ये बनेगा 19.5, और इसी तरह अगर इसमें ऐड करेंगे तो ये 24.5 बनेगा। फिर इसमें से माइनस करेंगे कि तो ये बनेगा 24.5, और आगे ऐड करेंगे 29.5, फिर आगे से 29.5 और 34.5, यहाँ से 34.5 और 39.5, फिर 39.5 और 44.5। तो ये आ गई हमारे पास क्लास बाउंड्रीज, मतलब इसमें से 0.5 को माइनस किया और इसमें ऐड करके ये चीज़ जो है वो हमने सेम करनी होती है इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमें मतलब फ्रिक्वेंसी बनाने के टर्निंग मास चाहिए, इसकी वजह से हम इसको अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आया 34, यहाँ से 34 को कैंसिल कर दें, देखें वो किस रेंज में आ रहा है। 26 आएगा यहाँ पे, फिर 33, 30 से बाबा इस रेंज में आएगा, फिर 32 ये भी यहाँ पे, फिर 24 मतलब फर्स्ट इंटरवल में, फिर 21 ये भी इधर, 37 40 फिर 41 28 उसके बाद 31 यहाँ पे आएगा, 33 भी यहाँ पे, 34 37 23 फिर 27 31 36 29 35 36 37 38 22 27 28 29 31 35 40 21 32 33 27 29 30 23। तो ये हमारे पास टैली मार्क्स आ गए। अब टैली मार्क्स के बाद हमने इसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है, इस तरह ये एक साइड 5 का 5 और 16 हो गया, इसके बाद नेक्स्ट आ गए 5 और 5 10 फिर 5 10 और 2 12 यहाँ पे 5 एंड 4 9 और यहाँ पे 3, इनको ऐड कर सकते हैं हम, 6 और 10 16 और 12 28 एंड 9 37 और 3 हो गया 40। ठीक है, और यहाँ पे उसने मतलब क्वेश्चन बोला था 40 स्टूडेंट्स, तो ये हमारी फ्रिक्वेंसी इसका सम इक्वल आया। इसके बाद हम यहाँ पे क्लास मार्क बाद में फाइंड करेंगे, पहले हम कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं। पर बस 6, फिर आगे 6 में हमने 10 ऐड करना है, 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 16, फिर हमने 16 में ऐड करना है 12 जो हो गया है 28, 28 में 9 ऐड करेंगे आएगा 37 में 3 ऐड करेंगे तो ये आएगा 40, और ये मिला के आ गई 40। क्लास मार्क्स में हमने बताया था कि इन दोनों का एवरेज निकालना है। पहले हमारे पास है मतलब 20 प्लस 24 ओवर 2, तो ये आएगा मतलब 20 प्लस 24
ये अगर 44 ओवर 2 तो ये करेंगे 22 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 22। उस तरह 25 और 29 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, इनको हम ऐड करें तो ये बनेगा 54, 2 पे डिवाइड करें तो ये आएगा 27, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 27। इसी तरह 30 प्लस 34 ओवर 2 तो ये आएगा 64 ओवर 2, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 32, हम लिखें 32। इसी तरीके से अब 35 और 39 ओवर 2 इनको हम करेंगे तो ये बनेगा 74 ओवर 2, इसको कट करें 37, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 37। और लास्ट में ये 40 और 44 ओवर 2 ये बनेगा 84 ओवर 2, कैंसिल करेंगे तो 42 आएगा, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 42। और ये हमारे होंगे तो क्लास मार्क्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंटिंग द सैलरी ऑफ 30 टीचर ऑफ अ स्कूल मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेकिंग द इंटरवल ऑफ साइज 100। मतलब 100 का उसने बुलाया गया इंटरवल बनाना है और ये आगे मतलब डेटा दिया गया 30, मतलब 30 टीचर की सैलरीज के लिहाज से। पर हम डेटा लिख देते हैं, पहले 450, 500, फिर 550, 580, 670, आगे 1200, 1150, आगे 1120, मतलब 1120, फिर 1130, फिर 1230, फिर 890, 780, 760, 670, 880, 890, 1050, 980, 970, 1020, 1130, 1220, 760, 690, 710, 750, 1120, 760 और 1240। क्यों मतलब तब 30 टीचर का डेटा था, इसमें गलती ना लगे इसलिए जब आप इसको मतलब क्वेश्चन लिखें तो एक बार काउंट कर लीजिए। फादर में 30 था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 26, 27, 28, 29। इसमें कुछ मतलब मिसिंग हो सकता है, एक बार दोबारा चेक कर लीजिए। मतलब 450, 500, 550, मतलब 580, 670, 1200, 1150, 1120, 1120 के बाद 950 यार, तो यहाँ पे एक 950 भी शामिल है। तो ये हमारा मतलब 30 टीचर का जो सा डेटा था मतलब क्वेश्चन में दिया गया वो हमने लिख लिया। इसके बाद हमने इसकी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, इसमें क्लास इंटरवल हमारा 100 का होगा। तो सबसे पहले आप इसकी मतलब मिनिमम वैल्यू देख सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यू। इसमें क्लास का साइज पहले से दिया गया, वो हमने 100 इंटरवल, उसके जो इंट मतलब बुक में दिया गया वो मतलब 550 से 549 और आगे से फिर आगे 550, 649, इस तरह करके हम इसके इंटरवल्स बना सकते हैं। नेक्स्ट आपने करना ये है कि
इसकी पहले मतलब रेंज देखेंगे, मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू की हमारी जो है वो किस रेंज में आ रही है। जैसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हम देख सकते हैं, यहाँ पर है 450, तो मतलब जो मिनिमम वैल्यू हमारी 450 होगी और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1230 है और लास्ट में 1240, वो होगी 1240। इसमें हमने सिंपल मतलब फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है और किसी भी चीज़ को मेजर नहीं करना है, सिर्फ सिंपल करना है। तो हम सिंपल तरीके से इसकी फ्रिक्वेंसी बनाएंगे और टेलीमार्क वाले मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने क्लास इंटरवल लेना है 100 से और वो स्टार्ट करेंगे हम 450 से। तो पहले लिख सकते हैं यहाँ पे क्लासेस, उसके बाद टेलीमार्क्स। सो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे हमने स्टार्ट करना है इसको 450 से। इसलिए पहला जो सेट आ गया वो 450 से लेके 549 तक, फिर आगे से 549 से लेके 550 से लेके 649, फिर 650 से लेके 749 तक, फिर नेक्स्ट 750 से लेके 849, फिर 850 से लेके 949, फिर 950 से 1049, 1050 से लेके 1149 तक। इसके अलावा फिर 1150 से लेके 1249 तक, तो हमारे 8 इंटरवल्स बन गए टोटल। और इधर से हमने डेटा जो है वो टेलीमास के फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले जो उनका नंबर है वो है 450, उसको आप कट करेंगे और 450 वाले इंटरवल के अंदर एक लाइन लगा सकते हैं, उसके बाद 500 है इधर, फिर 550 नीचे, नेक्स्ट यहाँ पर 580, अब फिर आगे 670, तो यहाँ पर उसके बाद 1200 वाला हमारा यहाँ लास्ट में आएगा। इसके बाद 1150, फिर 1120, फिर 950 वो यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद 1130, इसके बाद मतलब 1230, 890, इसको 780 का लगाना है तो ये इस इंटरवल के सामने आएगा। इसके बाद 760, 670, 880, फिर 890, फिर 1050, 1980, नाइन सेवेंटी,
1020 यहाँ पे, 1150 इधर, फिर आगे 1220, उसके बाद 760, 690, 710, 750, 1120 ये यहाँ पे, 760 यहाँ पे, और फिर 1240 लास्ट में। तो ये आ गई हमारी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें 2 इधर 4, फिर 5 आगे 3, इस इंटरवल का 4 बना, इधर 5 और इधर भी 5, हम ऐड करके देख के देख सकते हैं, प्लस 2 4 8, 8 और 5 13, 13 3 16 एंड 4 तो 20 एंड 25 एंड 30। तो ये हमारे टोटल जो है वो अगर 30 का इक्वल, तो हमारे मतलब गिवन फ्रिक्वेंसी के इक्वल, इसलिए हमारा क्वेश्चन ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर कह रहा है कि द फॉलोइंग डेटा शोज द डेली लोड शेडिंग ड्यूरेशन इन द आवर्स इन 30 लोकेलिटीज इन अ सर्टेन सिटी। मतलब एक शहर के जो मतलब 30 लोकेशन हैं उसके अंदर लोड शेडिंग के जो आवर्स हैं उसकी ड्यूरेशन दी गई है। कह रहा है कि मेक अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोड शेडिंग ड्यूरेशन टेकिंग 2 आवर एज अ क्लास इंटरवल। और जो हमने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है उसमें जो क्लास इंटरवल की हाइट है वो 2 आवर्स होगी। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, पहले जो हम मतलब डेटा लिख लेते हैं इसका, या बल्कि पहले आप क्वेश्चन लिख लें जिसमें हमने करना है कि फाइंड द मोस्ट फ्रिक्वेंट लो शेडिंग आवर। फाइंड द मोस्ट फ्रिक्वेंट लो शेडिंग आवर, एंड सेकेंड थिंग इसमें कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट लोड शेडिंग इंटरवल। जो पहले मतलब गिवन डेटा वो हम लिख लेंगे, अभी पहले 5, 7, 8, 3, 6, 7, 10, 2, 14, 11, 12, 8, 6, 8, 9, 7, 11, 6, 9, 12, 13, 10, 14, 7, 6, 10, 11, 14 and 12। ये था सर में डेटा, तो 30 लोकेलिटीज़ का। इसमें आप इसको एक बार मतलब वेरीफाई करने के लिए दोबारा काउंट कर लीजिएगा, इसमें अगर कोई मिस्टेक हो तो फिर उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
हाँ भाई ये बने 31, इसको इसको एक बार दोबारा हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले 6, 12, 5, 7, 8, 3, 6, 7, 10, 2, 14, 11, 12, 13, 10, 14, 7, 6, 9, 12, 13, 10, 14, 7, 6, 9, 12, 13, 10, 14, 7, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, इसको दोबारा काउंट कर सकते हैं हम। जी तो बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है 30, मतलब लोकेलिटीज़, लेकिन असल में यहाँ पे थोड़ी सी मतलब बुक में मिस्टेक है, मतलब क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे टोटल जो है वो 31 लोकेलिटीज़ का डेटा है जबकि बुक में लिखा हुआ है 30, तो इसलिए आप इसको 30 के बजाय 31 कर लीजिए। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। इसमें जो हमने फाइंड करना था वो इसके आवर्स फाइंड करने थे कि जहाँ पे मतलब मोस्ट फ्रिक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स एंड द लीस्ट लोड शेडिंग इंटरवल्स, ये चीज़ हमने फाइंड करनी थी। इसके लिए उसके हम इसकी सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बना सकते हैं। अभी हम लिखते थे क्रॉस इंटरवल्स, उसके बाद टैली मार्क्स, उसके बाद आएगी फ्रीक्वेंसी। तो इंटरवल का जो है उसने मतलब हिंट दिया था कि टू का हम टू आवर्स का ले सकते हैं। इसे सबसे पहले हम इसकी मतलब मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे दी गई है वो हमारे पास 14, और उसके बाद इसकी मिनिमम वैल्यू वो है हमारे पास 2। यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज का उसके बाद देखना कि इसकी रेंज बन रही है हमारे पास 12, और इसको हमने क्लास इंटरवल का जो साइज़ है वो जो कि ऑलरेडी मेंशन है क्लास इंटरवल का साइज़ वो हमने रखना है 2 आवर्स का। इसलिए पहले लिखेंगे 2 to 3, ये मान लो 2 हो गया, फिर 4 to 5, फिर 6 to 7, फिर 8 to 9, 10 to 11, और इसके बाद 12 to 13, और 14 to 15। सर फिर से इसमें हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन किए हैं टेलीमार्क्स की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको, 6 आएगा इस इंटरवल के अंदर, फिर 12 यहाँ पे, सिर्फ 5, 7, 8, 3 फर्स्ट वाले में, फिर 6 थर्ड, फिर 7, फिर 10, इसके बाद 2, फिर 14, फिर 11, इसके बाद 12, फिर 8, 6, फिर 8, 9, 7, 11, 6, अगेन 9, 12, फिर 13, इसके बाद 10, फिर 14, 7, 6,
you are 10, 11, 14, फिर यहाँ पे आ गए 12। अब यहाँ पे आप इसकी फ्रिक्वेंसी ले सकते हैं, इसके 2, 1, ये 5 और 4, 9 हो गए टोटल, फिर 5, फिर 6, ये 5 और इधर आएगा 3। अब हम इसका टोटल कर सकते हैं, ये 31 है कि नहीं, 2 and 1, 3 or 9, अब 12, 12 and 5, 17 and 6, 23, 23 or 5, 27, अब 28, 3 हो गया टोटल 31। तो मतलब यहाँ पे मतलब क्वेश्चन किया गया था वो था फाइंड द मोस्ट फ्रिक्वेंट लोड शेडिंग आवर, जिसमें सबसे ज़्यादा बार हुए तो वो आवर थे 6 and 7। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे लास्ट पे कि मोस्ट फ्रिक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स सिक्स टू सेवन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लीस्ट लोड शेडिंग, तो लीस्ट हुई सबसे पहले 4 और 5, यहाँ पे हम लिख सकते हैं लीस्ट लोड शेडिंग इंटरवल फोर एंड फाइव। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फॉर द फॉलोइंग वेट्स इन स्टूडेंट्स इन के जीज, मतलब ये मतलब डिफरेंट स्टूडेंट्स के वेट्स दिए गए, इसको हमने मतलब फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन और जो हिस्टोग्राम वो हमने कंस्ट्रक्ट करनी है इसकी। के जी पहले हम लिखेंगे इसका डेटा, जो मतलब हमें क्वेश्चन दिया गया उसमें वेट्स पर लिखने हैं, जो कि उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। इसमें पहला 24 तक, और एक पहला 5 के, उसके बाद 25 से 29 तक, ये 8 के इक्वल, 30 से लेके 34 तक 13,
इसको 35 से 39 तक, यह 22, उसके बाद 40 से 44 तक, उसके अलावा 45 एंड 49, फिर 50 से 54 तक, 22 के बाद 15, 10 एंड 8। उसके बाद आते हैं क्लास बाउंड्रीज, चूँकि जो हमें हिस्टोग्राम बनाने के लिए चाहिए होती हैं, इसलिए उसके बाद लिखेंगे क्लास बाउंड्रीज। फिर नेक्स्ट जो है ना मिड पॉइंट हमें चाहिए होते हैं पॉलीगॉन ड्रा करने के लिए, फिर लास्ट में होगा मिड पॉइंट्स। पहले हम इसकी क्लास बाउंड्री देखते हैं क्या बनती है। इसमें आपको बताया था कि इसको इसमें से माइनस कीजिए, तो 25 में से माइनस करेंगे 24 आएगा 1, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे 0.5। लोअर क्लास बाउंड्री में से आपने 0.5 को माइनस करना है और अपर क्लास बाउंड्री में इसको ऐड करना। इसमें से माइनस करेंगे 0.5 तो ये आएगा 19.5, 24 में से माइनस करें तो 23, इसमें ऐड करना तो 24.5, इसमें ऐड करेंगे 24.5, 29.5, 30 में से माइनस करेंगे तो 29.5, 34 में ऐड करें तो 34.5, इस तरह 35 में से माइनस करेंगे तो 34.5 और 39 में ऐड करना है तो 39.5, फिर 39.5 तो 44.5 आ गया, 44.5 तो 49.5 से लेके ये 54.5 तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा डेटा जो है हिस्टोग्राम मतलब बनाने के लिए, तो पहले हम हिस्टोग्राम ड्रा करते हैं, उसके बाद जो है ड्रा करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हिस्टोग्राम में जो हमने एक्स एक्सिस पे लेना है वो ये मतलब इंटरवल्स होंगे, तो इनकी वैल्यूज हमने सेम करनी होती हैं। उसके अलावा वाई एक्सिस पे हम लेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी, ये हमारा आएगा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इस पर हमने लेनी क्लास बाउंड्रीज और वाई एक्सिस पे लेनी है हमने मतलब फ्रीक्वेंसी। अब पहले आप देखें कि यहाँ पे आपके पास इंटरवल्स कितने हैं, तो इंटरवल हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इंटरवल हैं, तो हम 7 जो है वो रेक्टेंगल बना सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से आप जो मतलब एक इंटरवल के हाइट ले रहे हैं वो मतलब 1.5 सेंटीमीटर के इक्वल रख लीजिए, इस तरह ये हम इक्वल साइज़ के इंटरवल जो हैं वो इससे ड्रा कर सकते हैं। और आप 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो इधर से स्टार्ट करने के पहले तो 1 से लेके 1.5, 3 फिर 0.5, 5। हमारी पहली जो मतलब क्रॉस बाउंड्री थी लोअर क्रॉस बाउंड्री वो 19.5 तक थी, फिर अगली थी 24.5, फिर 29.5, फिर 34.5, फिर 39.5, फिर 44.5, फिर 49.5, आगे 54.5। तो ये तो हमने एक्स एक्सिस के ऊपर ली जैसे क्रॉस बाउंड्रीज, अच्छा एरो बना गया, आप ले सकते हैं क्लास बाउंड्रीज।
और इसके बाद फिर हम जब यहाँ पे ले सकते हैं और ये यहाँ पे आ सकती है, मतलब हमारे पास इस फ्रिक्वेंसी। आपने देखनी होती है कि इसमें मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी। तो यहाँ से जो मतलब इसकी वैल्यू जो है मतलब मैक्सिमम जा रही है 22 तक, इसका मतलब हम 5 का इंटरवल लेके इसको हम 25 तक जो है वो महदूद कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको 1 सेंटीमीटर के इक्वल ले लीजिएगा एक इंटरवल को और इसको 5 के इक्वल। इसका हम लिख देंगे 0 जी 5 10 आगे 15 20 25 एंड 30। अब यहाँ से हम इसके रेक्टेंगल्स ड्रा कर सकते हैं, मतलब पहली जो इसकी फ्रिक्वेंसी थी वो थी 5, तो यहाँ से आप इसकी हाइट लेंगे 5 तक। जब तक इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट थी फ्रिक्वेंसी वो थी 8, तो 8 तक आप जा सकते हैं। यहाँ से 8 हमारा इक्वल आएगा 16 के करीब, मतलब ये 16 सेंटीमीटर मतलब 16 मिलीमीटर के इधर से 8। उसको नेक्स्ट जो है वो 13 तक थी, ये पहला आ गया 5 वाला, उसके बाद ये नेक्स्ट 8 है, उसके आगे जो है 13 है। थर्टीन का जो बनेगा वो 26 तक बन रहा है। यहाँ से मिलीमीटर में आप देख सकते हैं इसके स्केल के हिसाब से, ये जो यहाँ तक है 13, ये पहले 8 वाला ड्रा कर लेते हैं। इसको 13 के बाद जो नेक्स्ट है वो है 22, तो 22 ऑलमोस्ट इतना बनेगा यहाँ से 22 तक तकरीबन ये। तो जो कि मतलब यही मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसलिए यहाँ पे भी 22 तक हम ड्रा करेंगे इसको। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास 15, तो 15 के लिए इसको तो 44.5 तक है 15, तो ये हमारे पास है 15 यहाँ तक। अब इस तरीके से भी इसको मेजर करके लगा सकते हैं, ऐसे ऑलमोस्ट एक डॉट लगा दिया छोटा सा, तो यहाँ से इस डॉट से लेके ए तक ये आ जाएगा 15। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास रीडिंग है वो 10 है, 10 ऑलमोस्ट इतना। इसके बाद आ गया 5, फिर नेक्स्ट है 8 अगेन, इनको आप मैच कर सकते हैं इस तरह। ये था हमारे पास 13, तो ये ऑलमोस्ट 13 के इक्वल। उसके बाद 22, फिर था 15, तो ये हमने यहाँ से भी आप देख सकते हैं 15 रखे एग्जैक्ट। उसके बाद 10, एग्जैक्ट 10 के इक्वल। उसके बाद 8, तो अगेन ये 8 जो है वो इसके इक्वल आ गए यहाँ से। तो ये जो डायग्राम हमारे पास आई, ये समय हिस्टोग्राम है, इसकी आप फ्रिक्वेंसी भी बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू थी 5, ये 8, उसके बाद ये वैल्यू जो है वो इक्वल है 13 के, फिर 22, उसके बाद आ गया ये 15,
15 के बाद 10 और फिर ये 8, तो ये हमारा हिस्टोग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो है इसके बनाते हैं पॉलीगॉन। चलो अब यहाँ पे ना हमें पॉलीगॉन ड्रा करने के लिए हमें इनकी एवरेज चाहिए होती है इन पॉइंट्स की, मतलब जिसको हम क्लास मार्क बोलते हैं। तो क्लास मार्क निकालने का तरीका ये कि आपने इन दोनों को ऐड करना है और बाद में 2 पे डिवाइड करना। फॉर एग्जांपल 20 प्लस 24 ओवर 2 बनेगा 44 ओवर 2, इसको आप 2 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा आपके पास 22। इससे नेक्स्ट जो है वो है 25 और 29, 25 प्लस 29 ओवर 2, इसको ऐड करें तो ये आएगा आपके पास 54, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 27। इसके बाद नेक्स्ट है 30 प्लस 34 ओवर 2, ये बनेगा हमारे पास 64 ओवर 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 32। उस तरह आगे 35 है, इसमें ऐड करेंगे 39 और 2 से डिवाइड करना है आपने, तो ये 74 आएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 37। नेक्स्ट जो है हमारे पास आ रहा है 40 प्लस 44 ओवर 2, तो ये 84 ओवर 2, 84 ओवर 2 से डिवाइड करें तो आएगा 42। फिर आगे 45 और 49 ओवर 2, तो ये हमारे पास आएगा 94 ओवर 2, तो ये 47। तो नेक्स्ट जो है वो आपको इंटरवल लेके आना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा 54 ओवर 2, तो ये 104 ओवर 2 करेंगे तो ये आएगा 52। तो चूँकि ये जो इंटरवल्स हैं यहाँ पे आपने इसको स्टार्ट करना होता है एक्स एक्सिस से ज़ीरो पोजीशन से, इससे एक इंटरवल हमें दो एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं पॉलीगॉन के अंदर। उसका तरीका यह है कि आप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इंटरवल बना सकते हैं, सही है, मतलब 50 से 54 तक था, इसलिए अगला इंटरवल आएगा मतलब 55 से लेके 59 तक, और इस इंटरवल की कोई भी पी नहीं है फ्रिक्वेंसी, इसलिए यहाँ पर ज़ीरो लिखेंगे। इसकी क्लास बाउंड्री जो बनेगी वो आएगी, इसमें हमने ऐड मतलब स्प्रेड करना हो तो 54.5 से लेके 59.5 तक, और इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो 55 प्लस 59 ओवर 2, तो ये बनेगा मतलब 114 ओवर 2, तो ये बनेगा 57 तक। उसके बाद इस तरह का एक इंटरवल हमें यहाँ पर ऊपर भी इसका बनाना पड़ेगा, इस तरह ये आएगा मतलब 15 से लेके 19 तक, और इसका जो इंटरवल आएगा वो मतलब आएगा 15 प्लस 19 ओवर 2, इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 34 ओवर 2, तो ये आएगा 17 का। तो ये सारे इंटरवल्स हमें ड्रा करने पड़ेंगे एक्स एक्सिस पे, और इसकी फ्रिक्वेंसी आएगी वाई एक्सिस पे। तो यही पे हम अब फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस होगा और यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रा करेंगे साथ, ये एक्स और ये वाई, ये जीरो। यहाँ से हमारे पास इंटरवल है टोटल, हमें पॉइंट्स चाहिए इक्वल लेंथ के, मतलब मिड पॉइंट्स,
हमने ड्रा करने हैं एक्स एक्सिस पे। देखिए मिड पॉइंट थे हमारे पास टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिड पॉइंट्स है। हिस्टोग्राम के अंदर हमने ये 7 तक लिए थे, ये दो एक्स्ट्रा हमारे पास आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 जो है हमने हिस्टोग्राम में लिए थे। लेकिन यहाँ पर जो मतलब टोटल मिड पॉइंट्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं 9 तक। पहले हम इसके तो यहाँ पे हमने 7 इसके मिड पॉइंट्स ड्रा करने हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, तो उसके लिए हमें 7 जो है रेगुलर इंटरवल चाहिए। सो 9 करने हैं चूँकि 2 पॉइंट एक्स्ट्रा बीच में, तो अब यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट 0 स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ पे हमने इंटरवल्स लिख लिया। मतलब ये हमारा स्टार्ट हो रहा था 17 से, पहले हम लिखेंगे 17, फिर 22, फिर उसके बाद 27, 32, 37, फिर 42, 47, फिर 52, 57, फिर आगे 62, ऐसा ही आगे जा सकते हैं। उसके बाद हमने अब इस एक्सिस के ऊपर जो कि हमारा वाई एक्सिस है उसे हमने ले लिया मतलब फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब अभी आप इक्वल इंटरवल रखें, 1 सेंटीमीटर का एक रख सकते हैं, उसको 5 के ऊपर रख दें, मतलब बोलिए 5 10 15 20 25 and 30। जो हमने एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी दी है वो असल में है मिड पॉइंट्स, तो इसको भी आप एरो लगा के लिख सकते हैं साथ। कि आपके मतलब मिड पॉइंट्स और जो वाई एक्सिस पे क्वांटिटी है वो है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो मतलब पहला इंटरवल है उसकी जो उसकी फ्रिक्वेंसी है वो 0 है, और नेक्स्ट फिर मतलब कुछ वैल्यू है लेकिन जो लास्ट इंटरवल है उसकी फ्रिक्वेंसी भी 0 ही है। तो उसके लिए पहले हमें यहाँ पर पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। तो जब जो सब फर्स्ट टू मिड पॉइंट है 17, उसकी फ्रिक्वेंसी थी 0, इसलिए यहाँ पर आप 0 को ही अंडरलाइन करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर। उसके बाद जो सेकेंड इंटरवल था जो था 22, इसकी वैल्यू थी 5, तो इसके लिए आप स्केल से देख सकते हैं कि 5 कहाँ पर बन रहा है, और इस इंटरवल के लिए यहाँ पर आप 5 ले सकते हैं। उसके बाद जो मतलब नेक्स्ट इंटरवल था उसका 8 था, 8 आपका तकरीबन यहाँ पर बनेगा, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो 8 के बाद है 13, मतलब 32 के ऊपर, तो 32 पर 13 लगाने के लिए आपको 26 तक जाना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो 37, 37 पे वैल्यू जा रही है इसकी 22 तक, तो ये 22 तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ तक बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है 42, और 42 पे इसकी वैल्यू है 15, तो हम ले जाएंगे इधर 15 तक, ये ऑलमोस्ट 15 के इक्वल। इसके बाद अगेन वैल्यू इसकी 10 है मतलब 47 के ऊपर,
10 आ गया, उसके बाद जो वैल्यू नेक्स्ट टाइम वो है आगे 50, 2 के ऊपर इसकी वैल्यू है 8। तो एट ऑलमोस्ट इतना ठीक। तो नेक्स्ट है इसकी वैल्यू जो कि हमने जो एक्सीडेंट बनाया था उसके ऊपर 0 थी, इसलिए ये 0 आ गया। तो जो आपके पॉइंट्स हैं इनको अपने स्केल से मैच करना है, जो कि ये पॉलीगन की साइड्स हैं बस। तो हमने इसको मैच करिए, तो उसके बाद इसकी जो वैल्यूज हैं फ्रीक्वेंसी को भी आप इसके ऊपर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 0 था, उसके बाद 5, 8, फिर यहाँ पर 13, 22, फिर आगे 15, 10, 8 और 0। तो यहाँ पे हमारी ये मतलब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कंप्लीट होगी। और जो हमने क्रॉस बाउंड्रीज और मिड पॉइंट्स के बारे में जो सीखा आपने, इसकी मतलब प्रैक्टिस करनी है, जो कि ये मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज बनी, इसका मतलब काफ़ी रोल है। और ये आपने ड्रा करके एक बार खुद इसको देखना है। तो हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे 6.1 जो है कम्प्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।